नए चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की रेसिपी है सूजी का हलवा। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि इसमें यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम सूजी लेंगे। मैंने ये अपने घर के एक कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से लिया है। और फिर उसके बाद घी लेंगे, एंड थर्ड है शुगर, एंड कोई भी अगर हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं अवेलेबल तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैंने मिल्क लिया है। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले गैस ऑन कर दीजिए। गैस ऑन करने के बाद थोड़ा सा उसे गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद हम उसमें घी डाल देंगे। जैसे ही घी, जब तक घी हमारी गर्म हो रही है, भी हमारी घी धीरे धीरे गर्म हो रही है। अगर हमारे फैमिली में ज़्यादा मेंबर है तो हम अपने हिसाब से ज़्यादा सूजी या जो भी हमारी क्वांटिटी है उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारा घी अभी जस्ट मेल्ट हो रहा है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेल्ट होने का। और सजेशन ये है कि थोड़ा से ढकने दिया जाए। हमारा घी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को लगातार भूनते जाएं। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ये एक नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगा। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। देखिए ये हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। तो हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अगर आप जहां रुकेंगे वहां ये जलना शुरू हो जाएगी। और इसे फास्ट फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं ताकि ये जल्दी पक जाए। देखिए अब मैं इसे लगातार कब से चलाती जा रही हूँ। अब देखिए धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। अगर आप इसे चलाते नहीं रहेंगे तो ये फटाफट नीचे से जल जाएगा और सूजी पकेगा नहीं, फिर आप लोगों को ये कच्चा लगेगा। तो देखिए अभी मेरी पूरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। और इसमें आपका एक फायदा है कि ये बनाते समय आपके हाथों का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। तो अब देखिए ये मेरा अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तो हम अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो शायद वो मीठा ज़्यादा खाते होंगे, तो आप अपने हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर शुगर फ्री बनाना है तो आप शुगर फ्री शुगर यूज़ कर सकते हैं इसमें। और कोई कोई इसमें शुगर पाउडर भी यूज़ करता है, तो हम इसमें शुगर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमारे शुगर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें कोई कोई इसमें पहले ड्राई फ्रूट्स डालता है ताकि ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो मैंने थोड़े से काजू, बादाम और मुनक्का लिया हुआ है। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें बचा लें ताकि आप उसे लास्ट में सजावट के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आपकी सूजी अच्छी तरीके से भुन गई है, आपका शुगर भी अच्छे तरीके से मिल गया है सूजी में। तो थोड़ी देर और लगातार चलाते रहिए, लगातार इसे चलाते रहिए। और फिर अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर हमें दानेदार बनाना है तो हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो देखिए हमने इसमें दूध का मिश्रण कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो अगर आपको आपके घर में जब गीली सूजी खाते हैं तो हम इसे गीली भी रख सकते हैं, और या तो अगर आप सूखी खाते हैं तो इसे हम और पका सकते हैं। और इसे यूपी साइड में मोहन भोज के नाम से भी जाना जाता है। तब देखिए हमारी सूजी धीरे धीरे पानी सोखने लगा है। जो दूध हमने डाला था वो अब धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा है सूजी। तो देखिए हमारा सूजी बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही सुंदर बन गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारा सूजी का हलवा रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे एंड हम अब इसे सर्व करेंगे।
तो ये देखिए हमारा सूजी का हलवा बनके एकदम से रेडी है और हमने इसे सर्व कर दिया। और जो हमने बचे हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना फ्रेंड्स, वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से छिड़काव कर दिए। अभी हमारा सूजी का हलवा एकदम से बनके रेडी है, तो प्लीज इसे खाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट किया, ये सीरियसली बहुत डिलीशियस बना, बहुत टेस्टी बना। प्लीज़ आप भी अपने घर पे बना के ये ट्राई करें। और फ्रेंड्स देखिए, ये दानेदार बना, सबसे बेस्ट, कितना दानेदार लग रहा है। और जिसे नहीं पसंद होगा वो भी खाएगा। फ्रेंड्स ये मेरी पहली वीडियो थी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें। और दिलों में प्यार बढ़ाते जाएं, पेट भर के खाते जाएं। धन्यवाद दोस्तों।